इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया। ओके दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस टाइप की ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो अपने मोबाइल से? क्या दोस्तों आपको पता नहीं इस टाइप की स्टेटस कैसे क्रिएट करते हैं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आप लोगों को कुछ इस टाइप की वीडियो बनाने के ट्यूटोरियल आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और दोस्तों काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करने के बाद इस प्लस बेल आइकन में एक बार आपको टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नो स्टूस वाला कार्ड इश्यू ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा बैकग्राउंड ऑप्शन। बैकग्राउंड ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इसका लेंथ आपको लगभग 20 से 22 सेकंड तक आपको रख देना है। तो मैं सिंपली से यहाँ पर 20 सेकंड में रख देता हूँ। रखने के बाद दोस्तों आप जिस वीडियो को जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो तो लेयर ऑप्शन में पहले आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपको मीडिया ऑप्शन चूज करना है। चूज करने के बाद दोस्तों आपकी एक फ़ोटो आपको यहां से आपको लेना पड़ेगा। तो सिंपली से मैं जो है एक फ़ोटो में ले लिया हूं, और लेने के बाद दोस्तों इस फोटो का आपको थोड़ा हाई जूम आपको कर लेना है। करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ोटो में एक बार टच करना, और इस लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा चाबी का आइकन। इस चाबी वाले आइकन में जाकर आपको इस फोटो का मिडिल में आना है। मिडिल में आने के बाद दोस्तों इस प्लस वाले आइकन में एक बार टच करना है, और इस फोटो को आपको रोटेट करके कुछ यहाँ पर राइट साइड तक आपको ले आना पड़ेगा। लेने के बाद दोस्तों इस फोटो को आपको एंड पोजिशन तक आना होगा। पोजिशन में आने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन में टच करके इसको आपको लेफ्ट साइड में घिसा देना है कुछ इस तरह से। इसी तरह दोस्तों आपको 4-5 फोटो ले लेना है, और लेने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से आपको चाबी वाला आइकन में जाके इस तरह आपको जूम करके आपको एडिट कर लेना है। तो दोस्तों मैं फटाफट से एडिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं 4-5 फोटो ले लिया हूँ। लेने के बाद दोस्तों मैं इसी तरह एडिट कर लिया हूँ। दोस्तों एडिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा मीडिया ऑप्शन में, और दोस्तों मीडिया ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक इमोजी वाला वीडियो आपको ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों इस इमोजी वाला वीडियो ऐड करने के बाद आपको इस वाले वीडियो का आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना पड़ेगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक कलरफुल वाला टेम्पलेट आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इस टेम्पलेट आपको लेने के बाद इस तरह आपको थोड़ा जूम कर लेना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा एक ब्लेंडिंग ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आपको स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इस वाला वीडियो जो है थोड़ा आपको छोटा हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार टच करना, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखने को मिला 3 डॉट, और इसका आप एक डुप्लीकेट ले लेना है। लेने के बाद दोस्तों इस वीडियो में एक बार थोड़ी देर आपको प्रेस करके कुछ इस तरह से आपको इस तरह से घिसा लेना है, और एंड पोजिशन में आने के बाद आपको कैंची वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पर राइट साइड आपको कट करना है। उसी तरह दोस्तों आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन में जाके मीडिया वाला ऑप्शन में आके, और दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक और कलरफुल वाला आपको वीडियो एड करना पड़ेगा। तो कलरफुल वीडियो लेने के बाद इसका भी लेंथ आपको कुछ इस तरह से बड़ा करना है, और बड़ा करने के बाद दोस्तों ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर स्क्रीन कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो में एक बार साउंड मिलेगा, तो इस साउंड को आप पहले म्यूट कर लेना। करने के बाद दोस्तों आपको एक ब्लैक शेडो PNG ऐड करना पड़ेगा। इस PNG आपको ऐड करने के बाद थोड़ा आपको थोड़ा हाई जूम कर लेना है। करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नीचे घिसा देना है। घिसा देने के बाद दोस्तों इसका भी आपको लेंथ वीडियो के एंड पोजिशन तक आना पड़ेगा। आने के बाद दोस्तों आपको लेयर वाला ऑप्शन में जाके फिर से मीडिया वाला ऑप्शन चूज करके आपको एक ब्लैक वीडियो ऐड करना पड़ेगा। इस ब्लैक वीडियो का लेंथ आपको थोड़ा बड़ा करके आपको नीचे तक इस तरह से घिसा देना है। घिसा देने के बाद दोस्तों आपको फिर से दिखने को मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, और दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों देखना यहाँ पर थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो आप थोड़ा इस तरह से आपको नीचे भी रख सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका लेंथ यहाँ पर से आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ आपको थोड़ा घटा देना है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर कैंची वाला ऑप्शन में जाके इसको आपको राइट क्लिक करना है, तो जो एक्स्ट्रा हिस्सा है वो कट जाएगा। कटने के बाद दोस्तों आपको एक बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा, PNG बॉर्डर। दोस्तों इस PNG बॉर्डर लेने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन में चूज़ करके इसको आपको फुल स्क्रीन करना है, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको आपको स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ भी आपको वीडियो के एंड पोजिशन तक आना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो तैयार हो गया है, मैं दोस्तों आप लोगों को एक बार साउंड ऑफ करके आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे वीडियो एडिट हुआ है। तो दोस्तों देख रहे हो बहुत ही अच्छा ऑफी तरह से जो वीडियो एडिटिंग हो गया है, और दोस्तों मैं जो इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ किया हूँ सारे का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप एक एक करके डाउनलोड कर लेना, और करने के बाद दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके
जरूर बताएं।